कक्षा 11वीं का गणित का सिलेबस देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो ये देखिए, पहला अध्याय समुच्चय, दूसरा भी आ रहा संबंध एवं फलन, तीसरा भी आ रहा त्रिकोणमिति फलन, फिर यहाँ पे चौथा चैप्टर आएगा समृद्ध संख्याएं, द्विघात समीकरण, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को पढ़ना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ पांचवा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है रैखिक असमिकाएं, ठीक है, और यहाँ पे क्रमचय और समचय भी आपको पढ़ना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक लास्ट में चैप्टर, मान लीजिए कि अगर सितंबर के शुरू में पेपर हुआ तो 6 अध्याय तक आएगा, और अगर सितंबर के बाद 10 या 15 सितंबर या 20 सितंबर के बाद होता है तो 7 अध्याय तक आपको श्योर मान के चलिए पेपर में आएगा। तो ये 7 चैप्टर आप नोट कर लें, यही 7 चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है।